अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर निसा, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला उत्तप्पा। ये बनाने के लिए मैंने डोसा पेस्ट लिया है, ये होममेड पेस्ट है, कुछ पाउडर मसाले, काले मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक सायके के मुताबिक लेना है। ये कुछ सब्जियाँ हैं, इस तरह से मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। कैप्सिकम, टमाटर, बीटरूट, गाजर और प्याज, ये धनिया की पत्तियाँ हैं, ये हरी चटनी, ये मस्का है, ये आलू की सब्जी है। डोसा बनाने के लिए मैंने चूल्हे पर एक पैन रख दिया, इसमें इस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला और इसे इस तरह से फैला लिया। उत्तप्पा बनाने के लिए हमें ज़्यादा थिक पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पेस्ट थिक है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके इसे इस तरह से पतले बैटर में बना लीजिए। पेस्ट पतला होगा तो ये हम पैन पर इजीली इस तरह से फैल जाएगा, क्योंकि ये उत्तप्पा है तो हमें इसकी कोटिंग मोटी ही रखनी है, ज़्यादा इसे स्प्रेड नहीं करना इस तरह से। बस अब इसका कलर चेंज होने के बाद इस तरह से बबल दिखाई देने लगे तो हमें इस पर हरी चटनी अप्लाई करनी है और इसे हर तरह से फैला लेना है। उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी को हर तरफ से फैला लिया और उसके बाद जो हमारी चॉप सब्जियां थी उसे एक एक कर कर मैं डाल रही हूँ। कैप्सिकम, टमाटर, इस तरह से हर तरफ से फैलाना है हमें। प्याज, गाजर, बीटरूट, हर तरफ से सारी सब्जियों को फैलाने के बाद जो हमारे पाउडर मसाले थे, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, हर तरफ से हमें अच्छी तरह से स्प्रिंकल करने लेना है और नमक को साइके के मुताबिक डालना है हर तरफ से। उसके बाद एहतियात से हमें जो डोसे का पेस्ट है पतली लेयर इस पर लगानी है ऊपर इस तरह से, और धनिया के पत्तियों को इस पर फैला देना है। और उसके बाद थोड़ा सा मस्का लेकर हमें उत्तप्पा के हर तरफ से इस तरह से लगा देना है। फिर मैं इसे ढक्कन लगाकर 3 मिनट तक पका लूँगी। फिर 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोला और इसका कलर आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हुआ है। फिर बड़ी एहतियात से इसे हमें टर्न कर देना है। उत्तप्पा को मैं 4 हिस्सों में इस तरह से कट कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। के बाद हमें इस तरह से इस पर बटर अप्लाई करना है। ये उत्तप्पा पकने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाना होता है क्योंकि सारी सब्जी अंदर से कच्ची है, तो हम इस फ्लेम की स्टेज पर इस पर पकाएंगे तो अंदर की जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। इस तरह से हमें इसे टर्न कर लेना है सारे पीसेस को। फिर इस तरह से बटर को हमें उत्तप्पे के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ हमारा उत्तप्पा रेडी है खाने के लिए। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, इसे छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। आपकी जो फेवरेट चटनी है आप उसके साथ इसे खाइए, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये मसाला उत्तप्पा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।